ओपन सिस्टम क्या होता है? ओपन सिस्टम होता है जिसमें मास का एक्सचेंज होता है और एनर्जी का भी एक्सचेंज होता है। अब जहां सपोज कीजिए आपने यहाँ पे इसके नीचे क्या लगाई हुई है, एक गैस, आप इसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप इसको हीट कर रहे हैं तो क्या होगा, सराउंडिंग से हीट किसमें एनर्जी ट्रांसफर होगी, सिस्टम में। और उसके बाद अगर आप इसको हीट करना बंद कर दें, तो जब आप इसको हीट करना बंद कर देंगे तो क्या होगा, जो एनर्जी है वो कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगी, सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफर होगी। सो बच्चों ध्यान दो, सबसे पहले एनर्जी कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगी, सराउंडिंग से सिस्टम में, और उसके बाद सिस्टम से सराउंडिंग में। सो एनर्जी का भी एक्सचेंज हुआ ना। सो बच्चों ओपन सिस्टम जो होता है उसमें मास भी क्या होता है, एक्सचेंज होता है और एनर्जी एक्सचेंज भी होता है, उसे हम कहते हैं ओपन सिस्टम। नेक्स्ट आता है बच्चों क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होता है? क्लोज सिस्टम सपोज कीजिए अगर मैंने इस बीकर को कवर कर दिया, तो जब मैं इस बीकर को कवर कर दिया तो बच्चों क्या होगा कि मास का एक्सचेंज नहीं होता लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज होता है, क्योंकि अगर आप इसको हीट करना बंद कर देंगे तो कुछ टाइम बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि पानी जो आपका बीकर में के अंदर वाटर है वो क्या हो गया, उसका टेम्परेचर कम हो गया। टेम्परेचर कम क्यों हुआ, क्योंकि जो हीट होती है वो सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफर हो जाती है। सो ऐसा सिस्टम जिसमें मास का ट्रांसफर नहीं होता, मास एक्सचेंज नहीं होता लेकिन एनर्जी एक्सचेंज होता है, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं क्लोज सिस्टम। नेक्स्ट आता है जो आइसोलेटेड सिस्टम, इसमें आप मेंशन कर सकते हैं ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम। थर्ड है बच्चों आइसोलेटेड सिस्टम। क्या होता है आइसोलेटेड सिस्टम? आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब होता है बच्चों जिसमें ना तो मास का एक्सचेंज होता और ना ही एनर्जी का एक्सचेंज होता, उसे हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का बच्चों बेस्ट एग्जाम्पल होता है थर्मस फ्लास्क। लेकिन कोई भी सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम कभी भी परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं होता है, और ये बात आप याद रखिएगा कि कोई भी सिस्टम हो उसमें क्या होता है बच्चों, वो कभी भी परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं होता। क्योंकि आपने भी देखा होगा थर्मस फ्लास्क में, सपोज कीजिए कोई थर्मस फ्लास्क है, देखो बच्चों सपोज करो एक थर्मस फ्लास्क है, उसके अंदर आपने टी को फिल किया हुआ है। सो कुछ टाइम बाद जब आप ऑब्जर्व करोगे तो मास तो चेंज नहीं होता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि टी के कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो बाहर चले गए और कुछ बाहर से अंदर आ गए। लेकिन जब आप इसमें थर्मस फ्लास्क में टी को फिल करते हैं तो कुछ टाइम तक क्या होता है बच्चों, हीट जो होती है इस कंटेंट की हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है। ये जो सब्सटेंस आपने इसमें रखा है टी की, इसमें क्या होता है जो टेम्परेचर होता है कुछ टाइम के लिए सेम रहता है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद क्या होगा, ऐसा तो नहीं है कि आप जब भी थर्मस फ्लास्क में चाय फिल करते हो वो 10 या 12 दिन तक गर्म ही है, कुछ टाइम बाद क्या होता है ठंडी होनी शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों की हीट का एक्सचेंज होना शुरू हो जाता है कुछ टाइम बाद। सो यहाँ पर आइसोलेटेड सिस्टम में आप कभी भी ये नहीं लिखेंगे कि कोई क्या, आप ये मेंशन नहीं करेंगे बिल्कुल भी कि हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले बताया है कि कोई भी सिस्टम कभी भी परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं होता है। सो यहाँ पर क्या हो बच्चों, मास का एक्सचेंज नहीं होता बट एनर्जी का एक्सचेंज होता है, बट छोटे एक्सटेंट में, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों
होती हैं बच्चों, जो मास और साइज इंडिपेंडेंट होती हैं, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं जो मास और साइज डिपेंडेंट होती हैं। ये सब क्या होती है बच्चों? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। वेट, वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट और सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। ये होती है बच्चों इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और भी आप इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी में, बॉइलिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। नेक्स्ट इज स्टेट एंड
पाथ फंक्शन, स्टेट एंड पाथ फंक्शन क्या होता है बच्चों, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन कुछ प्रोसेसेस ऐसी होती है बच्चों जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यू पर डिपेंड करती है किसी भी प्रॉपर्टी की, उसे कहते हैं हम स्टेट फंक्शन। एंड पाथ फंक्शन होता है कि वो प्रोसेस हुई किस तरीके से है, दैट मीन्स जैसे कि वर्क है, हीट है, हीट कैपेसिटी है, ये पाथ फंक्शन होते हैं। पाथ फंक्शन कहने का क्या मतलब है, पाथ फंक्शन कहने का मतलब है कि वो प्रोसेस किस किस तरीके से हुई है और किस पॉइंट पर वहां पर वर्क क्या था, हीट क्या थी, एनर्जी क्या थी, ये सब हम डिफाइन करते हैं, तो उन फंक्शन को कहते हैं बच्चों हम पाथ फंक्शन। ठीक है, सो तीन प्रॉपर्टी होती है जैसे कि वर्क, हीट एंड हीट कैपेसिटी। यहाँ पर आप इसीलिए क्या लिख सकते हो, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को हम डिनोट करते हैं सी से या फिर सी टी से। टी क्या डिनोट करता है, यहाँ पर टी डिनोट करता है टोटल हीट कैपेसिटी। सो स्टेट फंक्शन होता है डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, बट पाथ फंक्शन ये क्या होता है, पाथ डिपेंडेंट होता है, इट डिपेंड्स ऑन द पाथ और हाउ द प्रोसेस इज हैज बीन डन, कि वो किस तरीके से प्रोसेस हुई है। ठीक है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। सपोज कीजिए आपकी कोई भी प्रोसेस है और प्रोसेस में क्या है बच्चों, इनिशियल स्टेट में प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1 एंड टेम्परेचर है T1, और प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद प्रेशर है P2, वॉल्यूम है V2 एंड टेम्परेचर है T2। सो बच्चों अगर ये क्या है, कोई भी स्टेट फंक्शन है तो वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर देगा किस पे, द इनिशियल वैल्यू ऑफ प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एंड द फाइनल वैल्यू ऑफ प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। सो अगर आपको प्रेशर निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, P = P2 - P1 एंड वॉल्यूम अगर आपको निकालनी है सो V2 - V1, और आप कैसे डिनोट करते हैं, हम इसे डेल्टा से डिनोट करते हैं। डेल्टा से डिनोट करने का क्या मतलब है, डेल्टा का मतलब होता है बच्चों चेंज, एंड टेम्परेचर विल बी T2 - T1। सो कोई भी प्रोसेस है और इनिशियल स्टेज में उसकी वैल्यू है प्रेशर की P1, वॉल्यूम इज T1 एंड टेम्परेचर इज T1, एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन द फाइनल वैल्यू ऑफ प्रेशर इज V2 एंड द वॉल्यूम ऑफ V2 और टेम्परेचर की फाइनल वैल्यू है T2। सो स्टेट फंक्शन में हम क्या निकालते हैं बच्चों, चेंज निकालते हैं। सो डेल्टा पी विल बी P2 - P1, डेल्टा के विल बी V2 - V1 एंड टेम्परेचर वुड बी T2 - T1। क्या क्या होते हैं बच्चों स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन होते हैं जैसे कि डेल्टा यू, डेल्टा एच, डेल्टा जी, डेल्टा एस एक्सेट्रा। डेल्टा यू क्या है, डेल्टा यू, डेल्टा एच, डेल्टा एस एंड डेल्टा जी। डेल्टा यू इज इंटरनल एनर्जी, स्टेट फंक्शन है बच्चों, इंटरनल एनर्जी। डेल्टा एच क्या है, हीट, और आप कह सकते हैं एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन।
यू टू माइनस यू वन, जहां पर डेल्टा यू क्या डिनोट करेगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। होती क्या है बच्चों इंटरनल एनर्जी, द सम ऑफ ऑल एनर्जीज आइसोबारिक, आइसोकोरिक एंड साइक्लिक प्रोसेस। तो सबसे पहले हम करेंगे